push till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. बाबा द ब्लॉगर में आपका स्वागत है और ये हमारे नाज़िम भाई ले चले कुशीनगर घुमाएंगे और कुशीनगर में तफरी होने वाली है भाई, फुल एंजॉय करेंगे। जिसको आना है भाई ज्वाइन कर ले। और मेरे पडरौनी बॉयज जो है अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो भाई जल्द से जल्द सुभाष चौक पे मिलो, और स्पेशली बाउद्दीन के लिए देवरिया है तो देवरिया से कुशीनगर में इश्तियाक कह रहा था आने के लिए। इश्तियाक अगर आना है तो आ जाओ सुभाष चौक पे। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जमालू हम लोगों से नाराज होकर कहाँ बैठा है। देख रहे हैं जमालू कहाँ चला गया है। ओ क्यों क्यों इतनी दूर चले गए जमालू, क्या कर रहे हो यार वहां पर? क्या कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो हमारी जर्नी की शुरुआत हो रही है अब कसरा टोली से, और कसरा टोली से हम निकल रहे हैं अभी कुशीनगर के लिए। आप देख सकते हैं गुलफाम अभी बाइक राइड कर रहा है और हम हैं कसरा टोली रोड पर। आज का ये संडे ब्लॉग, आज हमारी जो जर्नी है वो हमें लेकर जा रही है। आज का जो प्लान बना है घूमने का हमारा, वो इसमें सबसे बड़ा अगर ये कहे कि जो योगदान है तो ये कहे कि जिन्होंने इस प्लान को डिसाइड किया है वो है हमारे अलाउद्दीन भाई। उनका मन था काफ़ी कि चल रहे हैं कुशीनगर घूमने, तो हमने भी डिसाइड किया कि चलिए कुशीनगर घूम ही लेते हैं फिर, और साथ ही साथ एक ब्लॉग भी बना लेंगे, आपको भी दिखा देंगे कुशीनगर कैसा है हमारा, कितना डेवलपमेंट हुआ है, क्या क्या काम हुआ है। तो अभी तो फिलहाल हम हैं पडरौना में, और पडरौना से अभी रेलवे ढाले को क्रॉस कर रहे हैं। ये हमारा पडरौना का रेलवे स्टेशन, किसी दिन आपको इसका भी ब्लॉग दिखाएंगे हम। सामने जो आपको बड़ी बिल्डिंग दिख रही है ये है हमारा साहू पैलेस, और ये हमारा सिटी मॉल फ्रेंड्स। इसके साथ साथ लोग मूवीज देखने के लिए भी आते हैं, मूवीज के लिए काफी फेमस है पूरे जिले में ये। ये पटना या कुशीनगर का पहला ऐसा मॉल है जिसमें 4 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स है, और इसीलिए काफी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। नीचे देख सकते हैं आप फार्म बाइक चला रहे हैं बाबा द ब्लॉगर, और अभी हम जा रहे हैं कुशीनगर। फिलहाल पहुंचने वाले हैं रविंद्र नगर के पास जो कि जिला मुख्यालय है कुशीनगर का। उस्मान भाई वीडियो बनाते हुए पता नहीं क्या क्या गाली दे रहा है उसमें वीडियो में। भाई कौन सा दिन है आज, कौन सा दिन है? अरे आज घूमने का दिन है भाई। तो आज हमारी ट्रिप कुशीनगर की, लास्ट संडे हम कहीं नहीं गए थे तो सोचा इस संडे तो कहीं ना कहीं जाना बनता है, तो अचानक से प्लान बना कि चलते हैं कुशीनगर। और सबसे बड़ा योगदान था इस ट्रिप में मिस्टर अलाउद्दीन का, उन्होंने इस ट्रिप को एक तरह से कह सकते हैं ऑर्गेनाइज किया है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी कुशीनगर महापरिनिर्वाण स्थल, वेलकम महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर। और ये हम एंटर कर चुके हैं कुशीनगर परिनिर्वाण स्थल में। ये डेथ प्लेस है महात्मा बुद्ध जी का, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम सांस यहीं पर ली है, यहीं पर अपना निर्वाण प्राप्त किया था, जिसकी वजह से इसकी काफी अहमियत है उन लोगों में जो बौद्धिज्म को फॉलो करते हैं। और यहाँ पर इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं जैसे कि थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, जापान, म्यांमार, यहाँ से बहुत सारे टूरिस्ट हर साल यहाँ पर आते हैं चीकर चढ़ाने के लिए। तो इसको बहुत बेहतर तरीके से डेवलप किया गया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रही है कि इसको और बेहतर से बेहतर किया जाए और अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर बनाई जाए, और बहुत सारे अलग अलग काम हुए भी हैं यहाँ पर।
मंदिर में से एक मंदिर आपको ये देखने को मिलेगा, बुद्ध थाई वाट मंदिर। अंदर से चल के भी आपको दिखाएंगे। ये आपको जो दिख रहा होगा ये बहुत ही फेमस ये पिक्चर है। तो दोस्तों अभी पहुंच गए कुशीनगर, और कुशीनगर में अभी हमारी चल रही है एक ब्रेक, और इस ब्रेक में ले रहा है टी पार्टी। इंडिया की सबसे फेमस चीजें जो जिसके बिना जो है 90% लोग रह नहीं सकते, चाय। अभी हमारे बाबा द ब्लॉगर साहब देखिए अभी चाय की चुस्की ले ही रहे हैं, चाय की चुस्की का आनंद लेते हुए। अभी इनकी चाय खत्म नहीं लग रहा है, चाय काफी अच्छी है। और यहाँ हमारे मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं, और हर चीज में ज्यादा शौकीन नहीं हूँ लेकिन मूड ऐसा हो गया था कि चाय पीना पड़ा। या और ये देखिए ये तो दीवाने हैं चाय के साथ, चाय के बिना चलती नहीं। और धीरे से यहाँ से निकल रहे हैं, बिल पेमेंट कोई और करेगा। और देखिए एक और बंदा जो पेमेंट नहीं करने वाला है निकल गया। और ये के ब्लॉगर साहब अभी अपना तैयार हो रहे क्या हुआ। और ये देखिए ब्लॉगर साहब अपने पूरे फुल मुकुट के साथ, मुकुट है ये मेरा, ये ताज है, ताज इसको यूं ही नहीं मिलता, इसको पाने के लिए काफी जो है मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। और देखिए बहुत मारते हैं। कुशीनगर का तो नौका विहार यही है दोस्त। और अब मैं कुछ यूनिक चीजें मैं दिखा रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ। एक छोटी सी बच्ची कितना शानदार ढोलक बजा रही है, और इसकी आवाज भी बहुत खूबसूरत है, आप देख सकते हैं यहाँ। अभी मैं हूँ कुशीनगर में, जो नौका विहार एक जगह है जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और मेरे साथ है पायल। और मैं बताना चाहूंगा कि पायल बहुत शानदार ढोलक बजाती हैं और गाती भी हैं, इनकी आवाज बहुत शानदार है। और उनके साथ साथ इनका एक यूट्यूब पर चैनल भी है। क्या नाम है आपके चैनल का, क्या नाम बाबू चैनल का, क्या नाम है? पायल विश्वकर्मा या इनके चैनल का नाम है पायल एंटरटेनमेंट, उस नाम से इनका चैनल है यूट्यूब पर, और 1.37 के सब्सक्राइबर भी हैं इनके। तो जो भी हमारे इस ब्लॉग को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इस लड़की के जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें। काफी शानदार ये लड़की गाती है और ढोलक भी बजाती है। तो जो भी हमें देख रहे हैं, हमारे ब्लॉग को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जाएं एक बार चेकआउट करें इस लड़की के चैनल को और उसको सब्सक्राइब करें। क्या नाम है बाबू चैनल का, फिर से एक बार बोल दीजिए। पायल एंटरटेनमेंट, क्या नाम है? ओके चलिए आप अपना करते रहिए। खालिद भाई ये सोच के हैरान हो गए कि उस्मान वहाँ से हट क्यों नहीं रहा है। उस्मान अभी तक वहाँ पे वीडियो बना रहा है, और दोस्तों आज का पूरा वीडियो जो है शूट कर रहे हैं उस्मान भाई। आज इन्हीं को ड्यूटी दे रखा है कि इस पूरे व्लॉग पे इन्हीं का वीडियो डलेगा, और हम लोग जो है यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, उसको वीडियो में डाल दिए। अरे यार तुम अपना काम करो, दफा हो लो। और काफी अभी जो है सनसेट का टाइम हो चुका है। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। तो अभी हम हैं नौका विहार, क्या हाल है भाई? ठीक है। तो हमारे कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं बैठ के, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये हमारे कुछ साथी जो एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है कि नहीं? वन एंड ओनली मिस्टर आफ्ताब, ये कहाँ से? ये कुशीनगर में, ये एक बहुत बड़ी हस्ती, वर्क फ्रॉम होम कुशीनगर टूरिस्ट स्पॉट पे। और ये यहाँ पे इसके अंदर कुछ बौद्ध के मानने वाले लोग कुछ अपना साधना करते हुए, पूजा पाठ करते हुए। अभी मैं इसके अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। मैंने ये वीडियो यहाँ से इसलिए बना लिया क्योंकि अभी क्या है, ये पूरा मंदिर इधर का बंद होने का टाइम हो चुका है, और शाम हो चुका है, अंधेरा आ चुका है, तो क्या पता वहाँ तक गेट तक पहुँचते बंद हो जाए, इसीलिए मैंने यहीं से कवर करने की कोशिश किया है। और
अभी मैं सामने की तरफ से जो है गेट से एंट्री करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सी वो अंदर जाने देते हैं या नहीं। ओके और ये सही टाइमिंग पे आ गया भाई, थैंक यू सो मच। और ये मैं अंदर आ गया हूँ और अंदर से आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी खूबसूरत। वीडियो बस बनाना था। ठीक ठीक, थैंक यू सो मच। बंद हो गया। यहाँ पर अभी हम लोग आ चुके हैं रामा भार स्तूप में और आप देख सकते हैं ये जो कुछ बौद्धिस्ट हैं जो बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले सेक्रेट प्लेस माना जाता है बौद्धिस्ट इस जगह को रामाभार वस्तु कहते हैं। कई सारे ऐसे विदेशों से लोग आते हैं। कई सारे आज का पूरा काम इसी भाई को दे दिया है। जस्ट बिकॉज ही नोज एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग बट ही नोज वेरी वेल अबाउट दिस प्लेस, सो दिस इज व्हाई मैंने कहा कि भाई आज तुम ही वीडियो कवर कर लो इस जगह का। और ये काफ़ी खूबसूरत जगह है एज यू कैन सी। प्राचीन जगह, प्राचीन जगहों में से एक है। कैसा लगा? ओ, अपने काफी मजेदार ट्रिप था लोगों का। और फाइनली हम लोग सारी चीज़ों को कवर करके और फिर लौट के लिए वापस आ रहे हैं। आप देखिए जैसे जैसे शाम होगा हम लोग निकल चुके हैं घर की तरफ क्योंकि ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं और काफ़ी शाम हो गया है और हम लोगों को पड़ाना पहुंचते पहुंचते 1 घंटा लगेगा, इसलिए अभी हम लोग निकल चुके हैं।